हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मस्ती एंड फूड चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज की सब्जी। तो हरे प्याज की सब्जी के लिए हमने ये देखिए हरे प्याज ले लिए, जिसको हमने बारीक कट कर दिया है। काटने के बाद हमने ये देखिए इसके हरे पत्ते अलग से हमने काट लिए हैं, और इसके जो प्याज है वो हमने अलग से काट के ले लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा, ये मैंने 8 से 10 गार्लिक लिया है, और लहसुन जिसको मैंने क्रश कर लिया है, और एक हरी मिर्ची बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा हमको एक टमाटर लिया है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और इसके अलावा मसालों में लगेगा हल्दी पाउडर, जिसको मैंने 1/4 लिया है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हींग ली है मैंने, और ये एक आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा नमक और तेल। तो चलिए स्टार्ट। ये हमने एक बर्तन रख दिया है गैस के ऊपर। अब हम ये गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल मैंने यहाँ पे 1.5 बड़ा चम्मच लिया है तेल। डालेंगे सबसे पहले हींग। अब हम डालेंगे ये लहसुन क्रश किया हुआ और हरी मिर्ची। ये हमारे लहसुन 2 मिनट हो गए हैं अच्छे से, ये थोड़े से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हम टमाटर को थोड़ा सा नरम होने तक हम पकाएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने हरे प्याज की जो प्याज कट किए थे, इसको मैं पहले डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि पत्ते जो होते हैं उसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम इसको थोड़ी देर, इसको 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सब मसाले। सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। हरे प्याज की सब्जी बहुत ही आसान है बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये देखिए अभी हमारे ये प्याज ऑलमोस्ट भुन गए हैं। अब इसमें मैं हरे पत्ते भी डालूंगी प्याज के। और इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालिए, और हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे, और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई। वॉइस ओवर आलू।